अस्सलाम वालेकुम मेरे शेरों, कैसे हो आप लोग? खैर खैरियत से हो? तबीयत ठीक ठाक है? अच्छा मेरे प्यारो, आज एक और चीज ली है, वो है बैकड्रॉप स्टैंड और बैकड्रॉप। चीजें बहुत ज्यादा मैसी हो जाती थी बैकग्राउंड में, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ग्रीन को ले आए, डिसेंट कर लें। क्योंकि कुछ मेरे प्यारों ने कहा था कि यार थोड़ा सा पीछे से सामान कम करो, बहुत ज्यादा सामान है आपके रूम में, तो सामान तो बहुत कम हो नहीं सकता, तो बैकड्रॉप आ सकता था, वो आ गया। तो स्टैंड और बैकड्रॉप लिया, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और चेक करते हैं कि कैसा है। हाँ तो गाइस शुरू करते हैं अपना काम। और सबसे पहले एक स्टैंड ये लिया, दूसरा स्टैंड, बॉडी बिल्डिंग, इतने भारी नहीं है। अच्छा पहले एक एक करके खोल लेते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा अटैच करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके लिए जरा 2 मिनट रुक जाए। ये देखें, ठीक हो गया, ये पहला स्टैंड आ गया। इसको हम इधर से लॉक कर देते हैं पहले, ताकि हाइट हमारी जितनी बस इतनी ही रहे। ठीक है, ये एक स्टैंड, ये दूसरा। अच्छा मैंने ये थोड़ा सा हैवी लिया है, इसमें हल्के वाले भी आते हैं, इसकी प्राइस की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर रुके, मैं आपको पहले चीज दिखा दूं, उसके बाद फिर प्राइस की बात करेंगे। जो इसमें हल्के वाले थे वो पूरी किट आ रही थी, मतलब वो यही सारी चीजें थी बट किट के साथ थी। तो अब इसको पहले मेजर कर लेते हैं दोनों को साथ में रख के, कि जी कितनी हाइट है इसकी। बस ये इधर तक है, तो इधर तक हम इसको लॉक कर देंगे, बाकी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो हम बाद में करते हैं। बस इसको हम यहाँ पे लॉक कर देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं, जो फर्दर लॉक है वो हम बाद में करेंगे सारी चीजों को एडजस्ट करने के बाद। ये भी हाइड्रोलिक देख लो, ठीक है, तो ये बड़ा काम देता है हाइड्रोलिक वाला जो है ना, ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल हो जाता है। तो अच्छा उसके बाद सेकेंडरी ठीक हो गया, ये पहला पाइप जो साइड से इसकी हुक देख लें, मैं हुक भी आपको चेक करवाता हूँ। और ये दूसरा पाइप, ये सेकंड हैंड का है, और ये सेंटर पाइप, ठीक है। अच्छा सेंटर पाइप में दोनों तरफ होल्स है, इधर बटन दिया हुआ है, इसको प्रेस करेंगे और इसको इस तरीके से, ये देखें ऐसे लग गया। फिर ये सेकंड हैंड है, इधर भी इसी सेम वही प्रोसीजर है, ये देखें ये हमारा रेडी हो गया सेटअप। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, काफी तकरीबन 9 फुट इसकी लेंथ है। हाँ तो वो इसी मैंने सेटअप कर लिया सारा, ठीक है। इसकी हाइट भी मैंने अपने से थोड़ी सी ऊंची रखी है, ताकि जो एडिटिंग है वो थोड़ी सी बेहतर हो सके, लेकिन ये अभी कुछ भी नहीं, एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होने वाली इस वीडियो के अंदर। उसकी वजह ये कि अभी मैंने सब सेटअप किया है आपसे गुफ्तगू करने के लिए, कि आपको इस चीज के बारे में बताऊं कि ये कितनी काम आने वाली चीज है और इसकी क्या क्वालिटी है। बेसिकली तो मैं इसको लैंडस्केप मोड में यूज करूंगा, मैंने अभी जस्ट पोर्ट्रेट मोड में आपको दिखाने के लिए इसको सेटअप किया। इसमें ये जो बैकड्रॉप है ये टेक्सचर्ड है, आप प्लेन कपड़ा लगा लीजिए, उसके रिजल्ट्स बहुत हल्के होते हैं, ठीक है। उसको एडिटिंग में भी प्रॉब्लम होती है, फिर उसका लुक भी नहीं इतना अच्छा होता और प्रॉब्लमेटिक रहता है। इसकी क्रीज अभी इसमें आती है जब ये आता है, उसके बाद इसकी क्रीज को भी हम सेटअप करेंगे। स्टीमर एक चाहिए होता है, स्टीमर से इसकी क्रीसेस वगैरह निकल जाती है, तो थोड़ा सा इजी रहता है काम करने में। अब कर लेते हैं हम इसके प्राइस की बात। जो बैकड्रॉप है ये मैंने लिया है 1500 रुपए का, इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज हैं। 1500 रुपए सबसे ज्यादा था, जो सबसे हैवी है, ठीक है। इससे जो नीचे आती हैं शीट्स वो 500, 600, 700, लेकिन आई डोंट सजेस्ट कि गाइस आप लोग, क्योंकि वो बहुत वियर्ड थी। पूरा सेट स्टैंड सेटअप जो है बैकड्रॉप के अलावा ये मैंने लिया 5000 रुपए का, इसमें मुख्तलिफ थे, 2000 रुपए वाला भी था और एक मैंने देखा था वो आई थिंक 3000 रुपए का था। बट लिटरली वॉइस वो पैसे फेंकने वाली बात थी, उस स्टैंड को खुद एक स्टैंड की जरूरत थी कि उसको पकड़ के रखे, इतने हल्के थे। तो ये 5000 रुपए का सेटअप बहुत अच्छा है, स्प्रिंग स्टैंड है। अच्छा स्टैंड मल्टीपल पर्पज में यूज होंगे, ठीक है, मेरे पास लाइट्स में भी यूज हो सकते हैं। मैं इसको SL 288 मजीद लाइट लेता हूँ या अपरेचर वगैरह लेता हूँ, तो उसमें भी मेरे स्टैंड काम आ जाएंगे। फिर इस स्टैंड के ऊपर बैकड्रॉप का सेटअप तो पूरा हो गया, ठीक है। मैं इसको एक पर्पज में और भी यूज करूंगा, वो मैं आपको इंशाल्लाह मजीद आगे वीडियो में बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। स्टैंड्स
और ये सेटअप आप अच्छा ले लो एक बार, दोबारा आपको कभी भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस चीज के ऊपर। और रही बात इसकी लेंथ और विड्थ की, तो मैंने खुद ये थोड़ा सा बड़ा लिया था। उसमें ये था कि मैंने जैसे बैकड्रॉप भी 4x9 का लिया है, बहुत जगह स्टैंड के अंदर, मुझे अगर एक्सपेंडेबिलिटी की जरूरत पड़ेगी बैकड्रॉप की तो मुझे कभी भी आइंदा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैंने यही चीजों को कंसिडर करते हुए ये चीज ली है। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा, पैसे डालो, आपके पैसे, अच्छी चीज लो, नहीं तो आप देख लो। तो ये था सीन बॉयज। बॉयज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। आप जितना मुझे गाइड करोगे कमेंट्स के थ्रू, मैं उतना अपनी चीजों को बेहतर से बेहतर करूंगा। कम्युनिटी कभी भी ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, इट टेक्स अ टाइम, इट गोज विद द फ्लो। इंशाल्लाह ताला आपको इस चैनल पे मेरे साथ मजा आएगा। मैं टेक्निकल चीजें और जो चीजों की बारीकियां, मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन्हीं पे फोकस करूं। बी मैच्योर, टेक अ गुड स्टेप्स इन योर लाइफ, मेरी कोशिश है कि मैं अपने कंटेंट को मजीद बेहतर से बेहतर करूं। आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हो कि जैसे जैसे मुझे मोटिवेशन मिल रही है, मैं चीजों को और अरेंज करता जा रहा हूँ। आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलनी है। जितनी मोटिवेशन मिलेगी ये चैनल उतना अच्छा होगा और उतना आपको मजा आएगा और इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना बेहतर से बेहतर कर सकूं करूं, लेकिन बेसिकली मेरी फील्ड नहीं है, मैं मीडिया साइंस या फोटोग्राफी से बिलोंग नहीं करता। ठीक, मैं ऐसा ऐसा चीजों को सीख रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं गेन कर रहा हूँ। तो आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह ये चीजें जल्दी सही हो जाएंगी। ठीक है बॉयज, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।